तो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश जोशी की व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 हो चुके हैं और कल से बारिश पड़ी रही है लगातार और बिल्कुल भी बारिश कम नहीं हुई। तो अभी मैं सुबह स्कूल आज भी नहीं जा रहा, मैं आज कोई भी नहीं आएगा। कल तो आ गए थे, फिर भी 8 बजे धोखा दे दिया था उन्होंने हमें और 8 बजे चले गए थे स्कूल में। पर आज तो शायद कोई भी नहीं जा रहा और बारिश ज़्यादा हो रही है, तो अभी मैं भी नहीं जा सकता। आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बाहर गलियों में बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ कितना कीचड़ हो रहा है, वरना मैं चला भी जाता स्कूल छाता लेके, पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मिनट कैसे इतना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है और यहाँ पे भी कीचड़ हो रहा है। ये तो बस भरने वाला है थोड़ी देर में। और इधर जो ये गली जा रही है गाइस, ये तो पूरी कीचड़ ही कीचड़ से भरी हुई है, तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं जा रहा नहीं हूँ स्कूल में। अभी हमारे गाँव में गाइस, उत्तराखंड में, मैंने जैसे कल आपको बोल रहा था शायद बर्फ़ पड़ सकती है, पड़ सकती नहीं है गाइस, वहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है। और अभी ये देखिए गाइस, क्लिप दिखाता हूँ आपको, वहाँ से मैंने मंगवाई थी किसी से। देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये मेरे पे आई थी उत्तराखंड से वीडियो थी, किसी ने बना के भेजी थी। ये देखिए गाइस, हमारे गांव में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, आप देख ही सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। और मैं अभी लगभग 18 साल का हो गया और अभी तक मैंने बर्फ़ देखी नहीं है। इतना मस्त नज़ारा मेरे से छूट गया, पता नहीं कैसे। देखिए गाइस, काश मैं वहाँ पर होता आज, तो मैं देख पाता बर्फ़ पड़ते हुए खुद। मतलब लगभग बहुत देर से पड़ रही है गाइस ये बर्फ। ये देखिए गाइस, पूरा एकदम सारा कुछ बर्फ ही बर्फ हो गया ऐसा लग रहा है। सारे पेड़ जितने भी हैं उनमें भी बर्फ ही बर्फ है, और इतने मोटे मोटे बर्फ के दाने से गिर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना मजा आ रहा होगा वहाँ के लोगों को। तो गाइस आप देख ही लिया कितना मस्त वहाँ का व्यू आ रहा है उत्तराखंड में बर्फ़ के कारण। काश अगर मैंने आज तक बर्फ़ देखी नहीं गाइस, अगर मैं भी देख पाता तो मैं कितना खुश नसीब होता मैं सोचता हूँ। तो अभी देखेंगे, कभी अगर किस्मत में होगी तो हम भी बर्फ़ देखेंगे। लोग कहते हैं शिमला में बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, पर जो बर्फ़ उत्तराखंड में पड़ती है वो बर्फ़ कहीं नहीं पड़ती गाइस। इतनी मस्त बर्फ़ होती है ना वो, और इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं, मतलब इतनी मोटी मोटी बर्फ़ होती है, क्या बताऊँ आपको मैं। एक मिनट गेट बंद कर लेता हूँ, अंदर चलते हैं। और बारिश ज़्यादा हो रही है, छाता भी गीला हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ट्यूशन जाना है, 12 बजे जाएंगे आज भी ट्यूशन। कल मैं 12 बजे चला गया था, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं ट्यूशन वगैरह जाके भी आ चुका हूँ और ट्यूशन में चला गया था आज, 12 बजे चला गया था। 12 बजे जाना था, पहले तो हमें टाइम का पता नहीं था। उसके बाद मैंने पूछा तो बोल रहे थे सर कि 12 बजे जाना है, वरना मैं अभी 5 बजे जाता और शायद फिर वापस आना पड़ता मेरे को। अभी तो फिर ठंड इतनी हो रही है तो कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखा है गलियों में, और बारिश से भीग भी जाता। तो मैं फिर एक मिनट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बादल वगैरह। ये देखिए गाइस, अभी शायद फिर से बारिश हो सकती है, पर बादल कितने मस्त लग रहे हैं वैसे देखने में गाइस, बढ़िया लगते हैं, पर जब बरसते हैं ना गाइस तो हालत ख़राब हो जाती है। जिनकी गलियाँ सही से बनी हुई हैं मतलब उनका तो ठीक है, हम लोग की देखिए गाइस पूरी कीचड़ ही कीचड़ है। तो ऐसे हालात होते हैं, गाँव वगैरह में ठीक है, बर्फ़ पड़ी हुई है, आराम से मज़े ले रहे हैं। और ये देखिए बाहर कीचड़ हो रहा है, तो अंदर ही गुल्ली डंडा शुरू कर दिया इसने। गाइस बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा फायदा है तुलसी देवी का है। ये क्या कहते हैं, मतलब इनमें पानी पूरा प्रॉपर डल जाता है, तो ये हरी भरी रहती है। ये देखिए आज कितना ज़्यादा पानी है, और आज भी कल के मुताबिक कम दिख रहे हैं पहाड़, कल इससे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और वातावरण एकदम शांत और रखा है, अभी आपको और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, गाड़ियों की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, इवन बस चिड़ियाओं की और एक मेरी आवाज़ जो आपको इरिटेट कर रही होगी, और चिड़ियाओं की इरिटेट नहीं मेरी कर रही होगी। तो अभी चलते हैं नीचे, और अरुण भी गया हुआ है यहाँ पे, हैनी उनको शादी में जाना था, हैनी की खेल भी नहीं सकते, और वैसे भी इतनी किचन में खेलते भी कहाँ, मंडी में भी अच्छा ही और रखा है। और घूमने वगैरह तो क्या ही जाएंगे, अब देखते हैं क्या करना है, अगर मूड सा बन गया तो शायद घूमने जाएं, वरना नहीं भी जाएं। तो ये आज की भी छुट्टी लग चुकी थी, आपको जैसे पता ही है सुबह बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, और फिर सर ने शायद गुस्से में आके एक पूरी यूनिट दे दिया गाइस, परसों टेस्ट होगा उसका, तो उसकी प्रिपरेशंस करनी थोड़ी बहुत। चलो उसका तो टेंशन नहीं है, वो तो चलो हमारे प्री बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, कोई बात नहीं कर लेंगे, कौन सा कुछ बचेगा। तो अभी करते हैं उसकी प्रिपरेशन और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले अंदर। सो गाइस अभी बज चुके शाम के 6 बज चुके हैं, और मैं काम वगैरह करके ऊपर आया हुआ हूँ, तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है।
और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अंदर अगर मैं आउटर बनाऊँगा तो फिर अंधेरा और फिर लाइट नहीं आ रखी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पे भी अभी ठंडा मौसम अभी भी हो रहा है, अभी थोड़ा आकाश साफ सा दिख रहा है, पर शायद बारिश हो भी सकती है रात को और कल सुबह भी हो सकती है। तो कल तो चलो छुट्टी है, कल बसंत पंचमी है, तो देखते हैं कल क्या होगा। मैं तो ऐसे ही कहूँ कि बारिश ना हो कल का दिन साफ रहे, और कल सुबह जाना है क्योंकि ट्यूशन हमें। सो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।